तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 12:30 और हम लोग कर रहे हैं नाइट कैंपिंग अपने केटन ट्रैवलिंग बीस्ट कार के अंदर। ये देखिए, कंबल से सवार सो लेटे, मज़ेदार सीट कर लिए पूरी फ्लैट और आराम से लेटे हुए हैं। बढ़िया के ये देख सकते हैं आप, नीचे पूरा सामान पैक्ड है और ये हमारा मिनी कैंपर वैन तैयार है अच्छे से मज़ेदार। आज रात हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपनी कैंपर वैन का मज़ा। कंबल लेके आए थे, खूब बढ़िया सा गर्म कर रहा है अच्छे से। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? तो बहुत अच्छे होंगे आप सब। हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट के अंदर। आज सुबह बहुत बड़ा इशू आ गया, वो मैं आपको होटल पहुंच के बताऊंगा। अभी आप बस मज़ा लीजिए रस्ते का, होटल पहुंच के बताऊंगा कि आज इशू क्या हुआ और आपको इशू से कैसे बच सकते हो। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, तो आप देखिए मज़ा लीजिए। हम जा रहे हैं सम में, हमारा रिजॉर्ट बुक है, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट हमने बुक किया है। आपको सारी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा उसकी, और वहाँ पर फूडिंग और क्या क्या इवेंट्स हम करेंगे उस सब की डिटेल्स भी आपको बताऊंगा मैं। हमारा तो चेक इन टाइम है 10:30 बजे का है, तो हम लोग टाइम से पहुंच भी जाएंगे। ये देखिए लिखा है सम। फ्रेंड्स, आपको ये 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, देख सकते हैं आप। अगर आपने मूवी देखी हो, एक मूवी आई थी सोल्जर बॉबी देओल की, उसमें राजस्थान की जो शूटिंग हुई थी सेम ऐसी उसमें लोकेशन दिखाई गई थी। अरे वाह, यहाँ देखिए आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, पवन चक्की लगी हुई है। अभी आपको दिख नहीं रही होंगी क्योंकि बहुत दूर है। अभी थोड़ा पास जाते तो आपको दिखाते हैं। वाकई वो कहते हैं ना, जब आप कोई जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत बुरा होना चाहिए। तो हमारे इस ट्रिप का पूरा हो चुका हमारे साथ। आपको अभी होटल में जाके शेयर करूंगा कि वादत क्या हुआ। हमारा हमारा चूचू तो बेचारा परेशान हो गया, बोल रहा था कि चलो घर चल रहे, हो गई ट्रिप सब खत्म यहीं पर। तो मेरा को परेशान नहीं होते यार, थोड़ी बहुत चीजें चलती है, लेकिन गलती इसमें थोड़ी हमारी हुई है कि हमने ऑनलाइन चीजों पे ज्यादा ही भरोसा कर लिया। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन चीजों पे आप उतना ही विश्वास करें जितना एक लिमिट तक। हाँ, लेकिन यहाँ पे आके आप दूसरों की बातों में भी ना आए, जैसे जो घूमते हैं ना, जब भी आप आ रहे हैं कहीं ट्रिप पे तो हार्ड कैश अपने हाथ में लेके आए। आप एटीएम पे, क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे, यूपीआई पे किसी पे भरोसा ना करें, क्यों कभी भी धोखा दे सकते हैं। चलिए अब होटल छोड़िए, मैं आपको यही बताता हूँ हुआ क्या था। अब जब रास्ता दूर है, टाइम है, तो यही शेयर करते हैं चीजों को, होटल में नई चीजें शेयर करेंगे आपको। तो हुआ क्या था, मैंने यहाँ पर एक होटल बुक किया था, मैं होटल का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे से बहुत अपोलोजाइज की है इस रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैंने बुकिंग करी हुई थी आज मॉर्निंग की एक होटल के अंदर, कल की मैंने बुकिंग नहीं की थी क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी हमको। हमारा मन था कि हम आज कार कैंपिंग करेंगे, तो हमने वो की थी, उसमें बहुत मजा आया था हमको। तो मैंने होटल फोन किया चेक इन के लिए, तो उन्होंने क्या करा, मेरे पास मैंने रात की मैसेज चेक नहीं करे, उनको किसी और की बुकिंग कैंसिल करनी थी और उन्होंने मेरी बुकिंग कर दी कैंसिल। और बुकिंग कैंसिल करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि सर वो गलती से बुकिंग कैंसिल हो गई, आप बुक कर लीजिए दोबारा। जब तक मैं बुकिंग कर रहा था उतनी देर में किसी और ने बुकिंग कर ली और वो हो गया सोल्ड आउट। अब वो बंदा बहुत परेशान, उसके बार बार फोन आ रहे थे, हम परेशान हो गए। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि अब हमारा दिमाग काम करना, क्योंकि बुकिंग थी हमारी, बुकिंग हो चुकी कैंसिल, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हमारे जितने भी कार्ड्स थे ऑनलाइन कोई काम नहीं कर रहा था, ना UPI काम कर रहा था, ना कोई कार्ड काम कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था उस टाइम, सर्वर पूरा जैम सा हो गया था। और जो होटल्स थे, दो होटल हमने देखे, वो हैंड टू हैंड सोल्ड आउट हो गए। तो और टेंशन आ गई दिमाग के अंदर कि यार अब क्या होगा, वहाँ OTP मैसेज नहीं आ रहे थे। दिमाग काम किया तो हम लोग थोड़े से आगे चले,
आगे चलने के बाद ओटीपी आने शुरू हुए पुराने वाले। मैंने कहा ये क्या चीज है, तो थोड़ी देर बाद देखा वहां झड़ी लग गई ओटीपी की, होटल्स की, पेमेंट्स की, दुनिया भर के तमाम उस पे ओटीपी ओटीपी ओटीपी। फिर हमने वहीं गाड़ी रोकी, वहीं पर फिर हमने ये रिजॉर्ट बुक किया, हमारा 2 दिन का स्टे है यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स पवन चक्की, ऐसी पवन चक्की मैंने एमपी में देखी थी, इंदौर के अंदर, वहाँ बहुत ज्यादा थी और यहाँ भी बहुत अच्छे खासे मात्रा में लगी हुई है, देख सकते हैं आप। सालों चल रही है, बाकी तो ये भी चलना शायद चलना शुरू हो रही है धीरे धीरे। ये है अपना पैराग्लाइडिंग, ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ों पे जाना पड़ेगा पैराग्लाइडिंग करने के लिए, ये लोग यहाँ भी पैराग्लाइडिंग कराते हैं। ये देखिए इसे खींचते हैं, ये देखिए प्रदीप से खींचेंगे, ये देखिए के डी एडवाइजिंग पैराग्लाइडिंग सर्विसेज। अरे वाह मिनी केटीएम यहाँ भी है क्या? ये मॉन्स्टर ट्रक है जो उस पे चलते हैं। राजस्थान में बहुत सुंदर है, हर स्टेट का ना अपना खुद का कलर। सर्दियों में बहुत सुंदर है, गर्मियों में आप नहीं कर सकते। देखिए हमारी फोर्स जा रही है BSF, यहाँ बॉर्डर है तो बॉर्डर पे तो आप देखते हैं फोर्स लगी रहती है। फ्रेंड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए कि यहाँ पर जैसलमेर है फॉरनर जाते हैं तो बहुत महंगा ही महंगा मिलेगा, यहाँ पर आपको महंगे से महंगा रिजॉर्ट और सस्ते से सस्ता रिजॉर्ट मिल जाएगा। यहाँ आपको ऐसे भी रिजॉर्ट मिल जाएंगे जो 1000-1200 रुपये पर डे के हिसाब से रहता है, जिसमें फूडिंग अलग रहती है, अगर आप फूडिंग इंक्लूड करेंगे तो वो 1500-1600 रुपये में आपको मिल जाएगा पर डे का। ये मित्र मत आप सोच के चलिएगा कि यहाँ पर जैसलमेर आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्च करना पड़ेगा। हाँ यहाँ के मार्केट्स बहुत महंगे हमने सुना है, और आप वो भी हम एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे, अभी सिर्फ सुना है। ये देखिए फ्रेंड्स क्या शानदार किला लग रहा है, बिल्कुल बीच बीच देखिए आप देख पा रहे होंगे, कुछ बन रहा है ये, कोई बना नहीं है लेकिन बड़ा शानदार लग रहा है दूर से। सब स्विस कैंप है, ये देखिए क्रॉसिंग हो रही है भेड़ों, क्या शानदार नजारा है। ये मुझे एडवेंचर करने का बड़ा मन था, देखिए हमारा के टेंट एडवेंचर करने।
ये हमारे कैंप्स हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ इनकी अपनी जीप भी है, शायद ये भी कुछ एडवेंचर कराते, मैं पता कर लूंगा अभी कि क्या एडवेंचर्स हैं इनके। चलिए देखते हैं, हम लोग पहुंच गए अपने कैंप एरिया में। यहाँ अभी हम ये देख सकते हैं, बड़े शानदार नज़ारे हैं यहाँ पर। हम जा रहे हैं भैया के पास। कब किया था बुक? आज ही बुक किया है सुबह। यहाँ हम चेक इन कर रहे हैं और ठीक है, ये दे दे, तीन नंबर टेंट दे दे। ये हमारे कैंप के ऑनर है, नाम क्या आपका? जय माता दी, जसवंत सिंह। क्या नाम है? जसवंत सिंह। मेरा नाम भी यशवंत सिंह। देखिए सेम। तो ये हमारे जसवंत जी हैं, इन्हीं का कैंप है जी, भाटी कैंप, भाटी डेजर्ट कैंप जी, भाटी डेजर्ट कैंप। चलिए आज हम रात में यहाँ पर रुके हैं और यहाँ का जो भी इवेंट्स होंगे आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अपने कैंप को, बढ़िया सा जो कैंप है अपना। दो नाइट है ना? हाँ दो नाइट है। तो कैंप बढ़िया रहिए, साफ सुथरा बढ़िया। चलिए देखते हैं कैंप कैसा है यहाँ पर। रात में ठंड होती है यहाँ, तो गर्म करने की व्यवस्था क्या है? 24 घंटे सुबह 10 बजे तक आएगा और उसके बाद शाम को नहीं आता? आज कैसे मैनेज होगा? आज करेंगे आपको। ये हमारा रूम हो गया, कुछ गर्म करने की व्यवस्था। अबे अच्छा इनका बाथरूम, ये देखिए फ्रेंड्स ये कैंप है हमारा, टॉयलेट बाथरूम। ये हमारा बेड है, लाइटिंग नहीं है यहाँ पर? लाइटिंग है ना, जली है ना लाइट। अच्छा लाइट क्या उजाला, इसलिए ठीक ठीक ठीक। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए अपने कैंप में, ये हमारा पीछे कैंप है। इसका एक्सपीरियंस करने में बहुत मजा आएगा आज। हम एक दिन इसमें एक्सपीरियंस करेंगे, फिर अगले दिन स्विच कर लेंगे दूसरे रूम में, अगर हमें इसमें कुछ इशू हुआ तब। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि रात में आपको ठंड लगेगी, तो हम लोग जितने आप कंबल कहेंगे उतने प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ व्यवस्था देखते हैं अच्छी होगी। वैसे अगर आप डेजर्ट में आए तो कैंपिंग नहीं करिए आपने डेजर्ट के अंदर, तो सब मजा बेकार है। ये है अपना K10 ट्रैवलिंग बीस्ट, अपने कैंप के बाहर आराम से खड़ा है, शान से। स्पैरोस हमें ये नॉर्मली अभी शहरों में नहीं मिलती हैं, पर ये देखिए ये हमारे जैसलमेर में डेजर्ट में, ये देखिए कितना ज़्यादा अमाउंट में बैठी हुई हैं। ये देखिए कितना एंजॉय कर रही हैं, दे आर प्लेइंग अ काइंड ऑफ पकड़म पकड़ाई खेल रही हैं। फिर जाएंगी, फिर आएंगी, फिर जाएंगी, फिर आएंगी। तो देखो अभी एक ये बन अभी गई है, अभी देखो और आई, फिर वो फिर से पेड़ पे जाएंगी। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे ही खेलते हुए दिख रहे हैं। देखिए आ गए हम लोग डेजर्ट की भूमि राजस्थान में, रेत ही रेत। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, दिल्ली टू जैसलमेर, फिर जैसलमेर से जो आप डेजर्ट तक पहुँचे हैं। बहुत मज़ेदार, मज़ा आया दिल्ली से जैसलमेर की जर्नी में, नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते हुए और यहाँ पहुँचे हैं अब सम डेजर्ट के अंदर, कोई कैंपिंग करना है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होने, अब तैयार होके हम लोग निकलेंगे सम और करते हैं फ्रेंड इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में जल्दी ही इस रंगीले राजस्थान के अंदर, तब तक जुड़े रहिए अपने K10 ट्रैवलिंग बीस्ट के साथ।